मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी एन कोटनेस हॉस्पिटल सलेम टाल दे विच काम करना कि अज का जिहड़ा सैमीनार प्लस नशा मुक्ति केंद्र जिहड़ा कैंप लाया गया पंजाब पुलिस वालों सरदार ईश्वर सिंह कमिश्नर पंजाब पुलिस लुधियाने ने यह एफर्ट्स की है। ये नाल ये है कि लोगों के बीच एक चंगा मैसेज जाएगा कि समाज के नशा मुक्त समाज की स्थापना करने बहुत बड़ा पुलिस का योगदान है। आम लोगों को लैके नाल किया कि क्योंकि लोग जोड़े है नशे में बहुत साड़ी नौजवान पीढ़ी बुरी तरह फस चुकी है। उन्होंने सामने लिया के उन्होंने इलाज कराने पुलिस प्रशासन का एक कदम बहुत सलाघायोग है। ये समय समय से चुकन की लड़ है ताकि ये मुहिम बहुत अगे ले जाइए तो लुधियाने जोड़े नशे साड़ी नौजवान पीढ़ी 60-70% फस चुकी है उन्होंने असी कटन में बहुत बड़ा योगदान प्रशासन वालों पाया जा रहा। देखो ये 2000 जदों पुलिस कमिश्नर साहब ने अहुदा संभालिया उदों ही उन्होंने कहा कि मैं लुधियाने मुक्त करूँगा। पिछले 2005 में लाया उस तो बाद हुण लाया हुण रेगुलर ब्लॉक के वार्ड इसमें करके लुधियाने नशा मुक्त किया जाए तो नशे में होने वाली अनेक बीमारियां जिमें एड्स है बहुत तेजी न घर कर रही है। लुधियाने में परसेंटेज 26% के करीब है जिहड़े बच्चे कहना लेंगे। सो सी प्रशासन सलाह लोड़ है कि इस तरह के कैंप ला के सैमीनार ला के लोगों को नशियां तो मुक्त करने लिए योगदान पाए। देखो लोगों के इतने असी अज 20-25 बच्चे असी ले आए हैं जिहड़े पिछले 4-5 साल तो इलाज करा रहे थे और बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने अपना जिहड़ा कामन एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि जिहड़े बच्चों को डर होंदा है कि आम एक धारणा होंदी है कि अगर मैं नशा करना तो छड़ देंगा तो मेरा अंग खड़ जाऊगा लत खड़ जाऊगी या मेरी शरीरिक कमजोरी है। उन्होंने अपना शेयर किया है कि नशे छड़न नाल कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी तो अगर मैं इन्हें 15-20 साल तो नशे करके छड़ सकता तो तुम भी छड़ दो। इस तरह का उपराले पुलिस प्रशासन वालों बहुत सलाघा कदम।